बिहार के बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले के मामले में पुलिस अभी तक 27 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। उनमें से ज्यादातर गिरफ्तार हो चुके हैं और कई अभी भी फरार है। पुलिस के निशाने पर अब धार नगर पालिका और रजिस्ट्रार कार्यालय सहित राजस्व विभाग के कई कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस जमीन पर अनुमतियां जारी की थी। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने के लिए इन विभागों के कर्मचारियों को दस्तावेजों के साथ तलब कर रही है, ताकि दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाया जा सके कि आखिर इन विभागों ने शासकीय जमीन पर किस आधार को लेकर अनुमतियां जारी की थी। उसी कड़ी में आज धार नगर पालिका के तात्कालीन सब इंजीनियर रहे सुधीर ठाकुर, संजय भारूडकर तथा परशुराम को धार कोतवाली में मई दस्तावेजों के साथ तलब किया गया, जिनमें खुद पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की। पुलिस अब इस मामले में इन अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है।